आओ बाढ़ पर नियंत्रण के लिए मिलकर बढ़ाएं हाथ। फतेहाबाद डीसी ने खुद उठवाए मिट्टी के थैले, खाद्य सामग्री पहुंचाई। फतेहाबाद जिले में घग्गर नदी में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने में हमारे जिले की महिला अधिकारी उपायुक्त मनदीप कौर व जिला पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी के प्रयासों की जितनी सराहना की जाए कम है। जो रात दिन बचाव के कार्य में लगे लोगों के साथ खुद कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आ रहे हैं। उपायुक्त मनदीप कौर ने तो आज खुद मिट्टी लगाने के कार्य में लगे लोगों के साथ लगकर मिट्टी के थैले तक उठा बचाव कार्य में लगे इन लोगों को जबरदस्त हौसला बढ़ा दिया। प्रातःकाल जिला पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी भी सिविल ड्रेस में लोगों के बीच राहत व बचाव कार्य में लगे लोगों के बीच मौजूद हो व्यवस्था बनाने में व्यस्त नजर आई। वहीं जिला रेडक्रॉस के वॉलंटियर्स व सामाजिक संगठनों द्वारा बाढ़ पीड़ितों को सामग्री वितरित करने का कार्य जोरों से चलाया जा रहा है, जिसमें भट्टुकला क्षेत्र से भी सैकड़ों लोग यहां पहुंच मदद दे रहे हैं। जिले में बाढ़ आपदा में जरूरतमंद लोगों के लिए जिला प्रशासन के अनुरोध पर जिला रेडक्रॉस सोसाइटी से 50 से अधिक सामाजिक संगठन जुड़े हैं, जिनमें से प्रथम चरण में 10 से अधिक सामाजिक संगठनों ने बाढ़ पीड़ित लोगों को वितरित करने हेतु सूखा राशन व पके हुए भोजन की व्यवस्था की है, जिसमें गांव मानावाड़ी से अखाड़े से हुई अपील के बाद लोगों ने शानदार सहयोग देना शुरू कर दी रखा है। इस बारे जानकारी देते हुए उपायुक्त व जिला रेडक्रॉस सोसाइटी की अध्यक्षा मनदीप कौर ने बताया कि जब जब आपदा आई है सामाजिक संगठनों व धार्मिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने बताया कि विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा पीने के पानी, बिस्कुट, भुने हुए चने, मटर, रस इत्यादि उपलब्ध करवाए गए हैं, जिन्हें बाढ़ प्रभावित गाँव में जरूरतमंद लोगों को रेडक्रॉस सोसाइटी के वॉलंटियर्स व सामाजिक संगठनों प्रतिनिधियों द्वारा उच्च अधिकारियों की देखरेख में वितरित किए जा रहे हैं। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि पका हुआ खाना गुरुद्वारा सिंह साहब, राधा स्वामी सत्संग, डेरा सच्चा सौदा, खुशी एक उम्मीद भट्टुकला व जेआरसी टीम द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। इसके अलावा सूखा राशन जैसे बिस्कुट, पानी की बोतलें, मट्ठी, भुजिया, मटर, मिट्टी खील, भुने हुए चने, रस आदि सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि देवी दयाल तायल, सर्द बत्रा, तेरा पंथ युवक परिषद, लायंस क्लब सिटी, लायंस क्लब रॉयल, जेआरसी टीम, गुरु सेवक परिवार, स्वामी तेरगिरी कुटिया, अंजनी माता सेवा सदन द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने बताया कि 250 से अधिक वॉलंटियर्स व अन्य सामाजिक प्रतिनिधि भी रेडक्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। उपायुक्त ने जिले के विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता दानवीरों से अनुरोध किया है कि जो सूखा राशन जिसमें बिस्कुट, पानी की बोतलें, मट्ठी, भुजिया, मटर, मिट्टी खील, भुने हुए चने, रस आदि बाढ़ से प्रभावित लोगों हेतु दान करना चाहते हैं, वे जिला रेडक्रॉस सोसाइटी में दान करने के साथ साथ स्वयं सेवक के रूप में स्वयं जाकर वितरित कर सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि इस बारे में रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव श्याम सुंदर के मोबाइल नंबर 8571856900 पर भी जानकारी ले सकते हैं। भट्टुकला ब्लॉक समिति चेयरमैन प्रतिनिधि प्रवीण लूणा, भट्टू मंडी सरपंच प्रतिनिधि आशु गोयल, पर्यावरण प्रेमी नरेंद्र लूणा, प्रमुख समाज सेवी विजय सिंगला उर्फ लाला यानी यहां पानी निकासी को लेकर मोगे की व्यवस्था करने में मदद देते हुए नजर आए। भट्टू मंडी के सामाजिक संस्था खुशी एक उम्मीद और नई सामाजिक संस्था सहारा एक उम्मीद और जेआरसी टीम लगातार अपने स्वयंसेवकों के साथ लगी नजर आई। सारा एक उम्मीद टीम गांव ठुइयां द्वारा बाढ़ग्रस्त एरिया के लिए खाद्य सामग्री रवाना की गई। भट्टुकला क्षेत्र के गौरव सैनिक संगठन सदस्यों ने भी यह मोर्चा संभाला है। जिले में आई बाढ़ का पानी शहर में किसी भी गांव के आबादी क्षेत्र में न जाए, इसके लिए उपायुक्त मनदीप कौर सहित पूरा जिला प्रशासन रात भर जागता रहा। डीसी मनदीप कौर व एसपी आस्था मोदी ने अधिकारियों के साथ विभिन्न इलाकों के दौरे किए। वीरवार अल सुबह भी उपायुक्त मनदीप कौर व एसपी आस्था मोदी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ जिले के माजरा रोड, हांसपुर चौक, गांव खान मोहम्मद, ढाणी ईश्वर, दौलतपुर, ढाणी ठोबा सहित कई गांव का दौरा कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान गांव खान मोहम्मद में कार्य कर रहे मजदूरों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद डीसी मनदीप कौर ने मिट्टी से भरे बैग उठवाए। उनके साथ सिंचाई विभाग के अधीक्षक
अभियंता ओपी बिश्नोई, एसडीएम राजेश कुमार ने भी मिट्टी के कट्टे उठाकर श्रमिकों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि बाढ़ के कारण जिले में फसलों का काफी नुकसान हुआ है, लेकिन प्रशासनिक टीमों की तत्परता व नागरिकों के सहयोग से अभी तक बाढ़ का पानी किसी भी गांव में आबादी क्षेत्र में नहीं आ गया है। उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा है कि आबादी क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए पानी विभिन्न स्थानों से डाइवर्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पानी की निकासी होने के बाद जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि किसानों को दूसरी फसल लगाने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इसके अलावा बाढ़ के कारण हुए नुकसान का नागरिकों को उचित मुआवजा दिलवाया जाएगा। राजकीय माध्यमिक विद्यालय सुलखेड़ा में प्रबंधन कमेटी का हुआ गठन। राजकीय माध्यमिक विद्यालय सुलखेड़ा में वीरवार को स्कूल प्रबंधन कमेटी का गठन हुआ। इस कमेटी गठन को लेकर के सांझी सभा का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अध्यापक जयदेव भारद्वाज ने पिछले वर्ष के ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि विभिन्न खर्च करने के लिए 38,310 रुपए प्राप्त हुए, जो राशि कमेटी की सहायता से खर्च कर दी गई है। सांझी सभा में खंड शिक्षा अधिकारी बलवान सिंह, खंड संसाधन संयोजक ईश्वर पुनिया, सरपंच सुल्तान सिंह, एबीआरसी रोशनी देवी उपस्थित हुई। कमेटी में महिला मोनू को प्रधान व सोनू मिस्त्री को उप प्रधान चुना गया। अन्य सदस्यों में संतोष, पूनम, मेना, सावित्री, फूलवती, राधेश्याम, विजय मोहन, शोकर्षण, देशराज माचरा, सोनिया प्रजापत, पदेन सचिव, जयदेव भारद्वाज पदेन सदस्य, एबीआरसी रोशनी देवी को कमेटी में जिम्मेवारी दी गई। खंड शिक्षा अधिकारी बलवान सिंह व खंड संसाधन संयोजक ईश्वर ने अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि एसएमसी कमेटी का स्कूल के प्रबंधन में अहम रोल होता है। आपसी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बच्चों को स्कूल में लाने की, उनकी उपस्थिति के प्रति ध्यान देना व अन्य को छोटी मोटी समस्या स्कूल में आती है तो एसएमसी कमेटी सुलझा सकती है। इसी को लेकर इस कमेटी का गठन किया गया है। भट्टू कलाम प्राइमरी स्कूल की एसएमसी कमेटी बनाने को लेकर ग्रामीण व स्कूल स्टाफ में हुआ विवाद। भट्टू कलाम प्राइमरी स्कूल में एसएमसी कमेटी बनाने को लेकर वीरवार को ग्रामीण व स्कूल स्टाफ के तकरार हो गई, जिससे यह कमेटी वाद विवाद की भेंट चढ़ गई। ग्रामीणों की ओर से सरपंच प्रहलाद सिंह ने स्कूल स्टाफ पर फर्जी कमेटी बनाने का आरोप लगाया है। सरपंच ने इसकी शिकायत बीआरसी ईश्वर सिंह को दी। वहीं मुख्य अध्यापक सुभाष ने सरपंच के खिलाफ मैनेजमेंट कमेटी के कार्रवाई रजिस्टर को जबरन उठाकर अपने साथ ले जाने व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत भट्टुकला पुलिस को दी गई। मिली जानकारी अनुसार गांव भट्टुकला के प्राइमरी स्कूल में वीरवार को एसएमसी कमेटी का गठन करने को लेकर स्कूल में ग्रामीणों को बुलाया गया था। इस दौरान सरपंच प्रहलाद सिंह, जिला परिषद प्रतिनिधि बाल सिंह जांगड़ा, ब्लॉक समिति सदस्य प्रतिनिधि राजेंद्र सरबटा, ब्लॉक समिति सदस्य विजेंद्र, पंच राजेराम, अनुराग भांबू, बबलू, राजेंद्र ज्ञानी, संतोष सहित अनेक ग्रामीणों ने देखा कि स्कूल प्रशासन द्वारा कार्रवाई रजिस्टर में एसएमसी कमेटी के प्रधान, उप प्रधान व सदस्यों के नाम पहले से ही भरे हुए थे, जिस पर ग्रामीणों ने एतराज उठाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि फर्जी कमेटी का गठन कर लोगों को बिना बताए हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। इसको लेकर सरपंच प्रहलाद सिंह ने शिकायत पत्र बीआरसी ईश्वर सिंह को सौंप दिया। वहीं दूसरी ओर मुख्य अध्यापक सुभाष ने बताया कि उन्होंने सरपंच व अन्य लोगों पर कार्रवाई रजिस्टर छीन कर ले जाने व सरकारी कार्य में बाधा डालने की शिकायत भट्टुकला पुलिस को दी है। इस बारे में खंड संसाधन अधिकारी ईश्वर सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि सरपंच द्वारा कार्रवाई रजिस्टर व शिकायत पत्र मिला है। इस मामले को लेकर ऊंचा अधिकारियों को अवगत करवाया गया है। शुक्रवार को डिप्टी डीओ स्कूल में पहुंचकर मामले का समाधान करेंगे। पीडी मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल खाबड़ा कलां में खंड शिक्षा अधिकारी बलवान सिंह ने दौरा कर निरीक्षण किया। पीडी मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल खाबड़ा कलां में वीरवार को खंड शिक्षा अधिकारी बलवान सिंह ने दौरा कर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छे शिक्षा और संस्कारों का होना बहुत जरूरी है, जो कि स्कूल के मैनेजमेंट व स्कूल स्टाफ के द्वारा दी जाती है। उन्होंने बताया कि पीडीएम स्कूल ऐसा स्कूल है जो पिछले गत वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की अलख भी जगा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा सभी के जीवन में एक महान भूमिका निभाती है। शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास विकसित करती है और उसके व्यक्तित्व के निर्माण में मदद करती है। अच्छी नौकरी व
पद पाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा हमारे ज्ञान स्तर, तकनीकी कौशल और नौकरी में अच्छी स्थिति को बढ़ाकर हमें मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से मजबूत बनाती है। उन्होंने बताया कि एनसीईआरटी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं और एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। इस अवसर पर स्कूल प्रधानाचार्य अनिता गुजरोया, डायरेक्टर साधुराम जाखड़, रण सिंह रैपसवाल, विनोद लोयल सहित स्कूल स्टाफ व बच्चे उपस्थित रहे।